नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे इफेक्टिव रेमेडीज निद्रनाश, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, जिन्हें रात को नींद नहीं आती या सोने में तकलीफ होती है। टू मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव है। हर एक इंसान को ये सूट करेगा और बहुत आसानी से ये अवेलेबल है किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर में। We have already made part one on this topic. I've shared a lot of tips. कई tips हमने इस video, इस topic के part one में share किए, तो वो video भी आप जरूर देख सकते हैं. The link is in the description box. Keep watching this video till the end. We'll be back. All right. So the first thing first. पहले बात करते हैं internal remedy के बारे में कि internal जो remedy है वो हमें कैसे consume करना है. Then we'll move on to the external remedy. External application जो है बहुत आसानी से available है ये सारे ingredients और it hardly takes any time. कुछ ही समय लगेगा ये treatment करने के लिए. So you have to be regular. आपको हर रोज इसे religiously follow करना है. So पहले बात करते हैं internal remedy के बारे में. चार इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए. ये सारे हर्ब्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जो कि एक नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड ये चार इंग्रेडिएंट्स क्या है. पहला है धनिया, यानी कोरिएंडर जिसे हम कहते हैं. दूसरा है ड्राई जिंजर यानी शुंठी. तीसरा है लवंग यानी क्लोव्स. और चौथा है पिंपली यानी लॉन्ग पेपर. सो 50 ग्राम हर एक इंग्रेडिएंट का आपको लेना है और एक एयरटाइट कंटेनर में आपको, यानी एक डब्बे में आपको स्टोर करना है. आपको इस पाउडर के एक चम्मच को मिक्स करना है आधे कप गर्म पानी में और आपको कंज्यूम करना है सोने से पहले. फॉर बेस्ट रिजल्ट्स और फॉर क्रोनिक कंडीशन, जिन्हें सालों साल से ये तकलीफ है या जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, उन्हें ये एक चम्मच इस पाउडर का लेना है और गाय के घी के साथ मिक्स करना है और इसे कंज्यूम करना है सोने से पहले. दिस वॉज अ इंटरनल रेमेडी, बिल्कुल सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव है. इसके कई सारे और बेनिफिट्स भी हैं. अब बात करते हैं सेकंड रेमेडी, जो कि है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसके बारे में. मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ अश्वगंधा के बारे में. अभी अश्वगंधा पर हमने ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाए हैं, इसके शारीरिक और इसके मानसिक बेनिफिट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किए. पर आज इस टॉपिक रिलेटेड हम जानते हैं कि अश्वगंधा को किस फॉर्म में हमें यूज़ करना है ताकि ये तकलीफ दूर हो सके. किस फॉर्म में हमें यूज़ करना है. हमें चाहिए अश्वगंधा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, जिसे कहते हैं अश्वगंधादि तैलम. बहुत आसानी से आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर ये अवेलेबल है. आपको क्या करना है कि यू हैव टू पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ अश्वगंधादि तेल इन बोथ योर ईयर्स. 2 ड्रॉप्स आपके लेफ्ट ईयर में, 2 ड्रॉप्स आपके राइट ईयर में, और फिर मसाज करना है हार्डली 10 सेकेंड्स के लिए. यू हैव टू मसाज वेरी वेरी जेंटली. ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है बिफोर गोइंग टू बेड. सो इंटरनल रेमेडी एंड एक्सटर्नल रेमेडी बिफोर गोइंग टू बेड, दैट्स ऑल यू नीड. ये था आज का वीडियो. डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मुलेशन, मोस्ट इफेक्टिव, और इसके कहीं और बेनिफिट्स भी है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है, देन फील फ्री टू राइट देम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू जोवीज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you.